नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आपको नेविगेशन बार बनाना सिखाया था, जो कि एक्टिव बटन के साथ था और एक्टिव बटन इस पर स्मूथली वर्क करता है, टॉप से बॉटम को फिल हो जाता है। और फिर आज की क्लास में हम इसी नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, रिस्पॉन्सिव करके कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे इमेज को रिस्पॉन्सिव कर लिया है, नेविगेशन, और यहाँ पे बटन आ गया। इस बटन पे क्लिक करके नेविगेशन को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो आइकन होगा वो भी चेंज होगा। और इस पर एक्टिव बटन देखिए, जब हमने बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया था तो वो टॉप से बॉटम को फील होता था, और इस टाइम पर स्मॉल स्क्रीन के अंदर ये लेफ्ट से राइट को मूव करेगा, फुल होगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए क्लास ली थी जिसका नाम हमने लिखा था कॉलम एक्सेल 3। इसके अंदर मैं अपनी एक क्लास ऐड कर दूँगा, इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसके अंदर। उस क्लास का नाम होगा लोगो कंटेनर। के साथ ही मैं यहाँ पे एक स्पेन टैग लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा टॉगल्स। क्लास लेने के बाद मैं यहाँ पे दो इमेजेस लूँगा, जो कि एक देखिए एक मेन्यू बार की आ रही है, इस पर जो हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज की आ रही है, तो इस दोनों इमेजेस में यहीं पे रखूँगा IMG क्लू। प्लस एक इमेज जो होगी उसका नाम, एक क्लास होगी जो कि IMG1 होगी, पाथ दे देंगे इसको हम menu.png। इसको डुप्लीकेट करेंगे और सेकंड इमेज का नाम होगा close.png। और जो हमने यहाँ पे फर्स्ट के अंदर जो हमने एक क्लास ली थी IMG1, और हम यहाँ पे लिखेंगे IMG2, सेव करेंगे और हम इस क्लास को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इस क्लास का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे लोगो कंटेनर, उसके बाद यहाँ पे टॉगल्स, इस टॉगल्स क्लास को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और मैं यहाँ पे कर दूँगा डिस्प्ले नन, वो भी इम्पोर्टेंट करने के साथ। फ्रेंड्स, ये इसलिए हम लिख रहे हैं कि जब कभी हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप वर्जन पे कभी लोड होती है तो हमने जो ये आइकन लिए हैं वो आइकन डेस्कटॉप पे शो नहीं करने चाहिए, केवल मोबाइल पे शो करेंगे। ये करने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडिया स्क्रीन एंड मिन विथ 768 पिक्सल। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, हमने पिछली क्लास में जो कुछ कोड लिखे थे वो कोड मैं ऊपर से उठा के मैं यहाँ रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो कोड केवल मिनिमम विथ, अगर उसकी 768 से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन 768 से लेकर जितनी भी ज़्यादा होनी चाहिए वहीं ये कोड तभी चलेगा। 767 से लेकर उससे नीचे तो जितनी भी छोटी स्क्रीन होगी उस पर वो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसको मोबाइल में नहीं शो करना चाहते। तो उसके लिए हमें देखिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लिखा था एक्टिव बटन्स, ये देखिए नेवबार्स ULLIA, उसके अंदर एक्टिव बटन। मैं इसको पूरे को कॉपी कर लूँगा और इसको लिख दूँगा इसी के बीच में, और हमने जो हाइट दी थी इसको 0% हाइट हमने जो 0% दी थी, मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा। हाइट और विड्थ दोनों को ही मैं यहाँ से कट कर लूँगा और मैं इस यहाँ पर लिख दूँगा, और हमने वहाँ से हटा के हमने यहाँ लिख दी। और हम चाहते हैं कि मिनिमम 678 से बड़ी जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो वो केवल यहाँ पे कोड चले और से छोटी स्क्रीन पे कोड ना चले। उसी के साथ मैंने जब यहाँ पे होवर करके इसकी हाइट 100% करी थी, इसको भी मैं यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर दूँगा। फ्रेंड्स, हमने एक चीज़ कर ली है, और हम इसको भी जो हमने डिस्प्ले यहाँ पे हमने ब्लॉक करी है इसको भी हम यहाँ से कट करके यहाँ पे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया है। अब हम नेविगेशन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए अब हम कोड लिखेंगे, जो कि मीन्स मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए जो उसकी मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए वो 767 तक होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम विड्थ 767 होनी चाहिए जिसके अंदर ये कोड चलेगा। उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो नेविगेशन क्लास, उसके अंदर जो हमारा लोगो है
लोगो उसकी विड्थ हम कर देंगे 300 पिक्सल। लोगो वाली हमने विड्थ दे दी है। अब हम लोगो कंटेनर क्लास के अंदर पोजीशन जो होगी वो रिलेटिव करेंगे। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद लोगो कंटेनर वाली क्लास हम यहाँ पे दोबारा कॉपी करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने टॉगल्स नाम से क्लास ली थी मैं यहाँ पे उसको लिख दूँगा। उस लिखने के बाद पोजीशन हम इसकी करेंगे एब्सोल्यूट। डिस्प्ले हम इसकी ब्लॉक करेंगे क्योंकि हमने इसको स्पेन टैग के अंदर लिखा था। फ्रेंड्स उसी के साथ राइट से मैं इसको 20 पिक्सल दूँगा, राइट से 20 पिक्सल, टॉप से मैं इसको दूँगा 30 पिक्सल और इसकी जो विड्थ होगी वो मैं 50 पिक्सल कर दूंगा और हाइट में इसकी 45 पिक्सल दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा जो हमने ऊपर ऑरेंज कलर का लिया था, जो कि ये एक्टिव बटन को भी हमने दिया है। इस कलर को मैं यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको जो टेक्स्ट लाइन होगा वो सेंटर कर दूंगा, साथ ही लाइन हाइट इसकी 40 पिक्सल कर दूंगा। उसके साथ मैं इसको जो बॉर्डर जो रेडियस होगा वो केवल 5 पिक्सल का ही दूंगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे एक कर्सर पॉइंटर कर दूंगा जिससे कि पता चलेगा कि इसके ऊपर एक क्लिक इवेंट चल रहा है। सेव कर लिया मैंने और पेज को रीलोड करूँगा। अब मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाऊँगा तो देखिए हमारे नेविगेशन वाला जो मेन्यू आइकन है वो आ चुका है। अब हम नेविगेशन को डिजाइन करेंगे और लोगो भी हमारा छोटा हो चुका है मीन्स इस एरिया के अंदर। आगे का हम कोड लिखते हैं सबसे, उसके बाद हम सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर लोगो कंटेनर के अंदर की जो टॉगल्स नाम से क्लास है। फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है, देखिए दो इमेजेस जो मिलती थी दोनों इमेजेस शो कर रही हैं, एक इमेज ये है एक इमेज ये है और दोनों इमेज वाइट कलर की, इसलिए नीचे वाली इमेज नज़र नहीं आ रही है। तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे कि जो टॉगल्स के अंदर जो हमने आई एम जी वन ली थी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन ब्लॉक रखेंगे और इसको पूरे को कॉपी करके हम यहाँ मैं यहाँ पे ले दूँगा कि IMG जो सेकेंड है मीन सेकेंड जो क्लास है उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन रखनी है। डिस्प्ले नन रखेंगे फैंस, उसी के साथ मैं इन दोनों को पूरे को कॉपी कर लूँगा और यहाँ नीचे लिख दूँगा। फैंस हम क्या करेंगे कि जो हम इसके साथ पहले नेविगेशन क्लास भी ऐड कर देते हैं जो कि हमारी मेन नेविगेशन, जो कि हमारे पूरे नेव बार की मेन क्लास है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब नेविगेशन के अंदर एक क्लास ऐड होगी जिसका नाम होगा शो नेव, अगर वो क्लास ऐड होती है तब उसके अंदर जो इमेज वन जो कि डिफ़ॉल्ट जो कि इस टाइम शो कर रही है उसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे और साथ ही नेविगेशन के अंदर शो नेव की क्लास के अंदर जो सेकंड इमेज है उसकी जो डिस्प्ले होगी वो हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ जो टॉगल्स क्लास के अंदर जो हमारे IMG है उसको हम पैडिंग देंगे हम 5 पिक्सल। पैडिंग 5 पिक्सल देने के बाद नेविगेशन इसको हम यहाँ से हटा देंगे यहाँ पे और अब लिखूँगा नेविगेशन माई नेव बार्स। नेविगेशन के बाद नेव बार्स क्लास लेने के बाद जो हमारा UN है उसका जो टेक्स्ट लाइन होगा वो हम लेफ्ट कर देंगे और पैडिंग जो होगी उसको हम 20 पिक्सल कर देंगे। साथ ही मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा कि UL के अंदर जो हमारा LI है LI की डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए, LI की डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी और टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर देंगे और जो बॉर्डर होगा वो बॉटम से मिलेगा इसको 1 पिक्सल का। बॉर्डर कलर दे दिया है हमने इसको। उसके बाद UL को हम दोबारा पूरा कॉपी करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे कि जो लास्ट चाइल्ड है जो UL के अंदर LI का जो लास्ट चाइल्ड है उसका जो बॉर्डर होगा वो बॉटम से 0 होगा। हम लास्ट वाले LI को बॉर्डर बॉटम नहीं देंगे। अब मैं यहाँ से नेविगेशन नेव बार्स
ULLI के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसको डिजाइन करूँगा। उसके लिए मैं इसको पैडिंग दूंगा टॉप और बॉटम से 7 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल दूंगा, और फोर्थ वेट मैं इसको 600 दूंगा, और कलर दूंगा मैं इसको वाइट, कलर वाइट दे दूंगा मैं इसको। उसी के साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा पूरा, हम यहाँ पे नीचे LI एंकर टैग तक कॉपी करेंगे और लिख देंगे, और फिर देखिए LI टैग पूरा कॉपी करने के बाद जो हमने स्पेन हमने लिया था जिसके अंदर एक्टिव बटन है जो कि ये वाला बटन है, देखिए इस बटन के लिए हम यहाँ पे इसकी क्लास का नाम लिखेंगे और इसके बारे में लिख देंगे कि जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 0% स्मॉल स्क्रीन के अंदर, और हाइट इसकी 100% होगी, हाइट 100% होगी। बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट देंगे। इसकी जो ट्रांजिशन होगी वो 2.2 सेकेंड देंगे। बस इसी के साथ अगर इस LI पे यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर LI पे कोई होवर करेगा तो एंकर के अंदर जो एक्टिव बटन नाम की क्लास है जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है, हमने स्पेन टेक के अंदर रखी हुई है, उसकी विड्थ हो जाएगी 100%। तो फिर जैसे कि हमने यहाँ पे इसको 100 विड्थ हमने 0% दी है, यहाँ पे 100% दी है, तो जब कोई LI पे होवर करेगा तो इसकी विड्थ 100% हो जाएगी, और ट्रांजिशन 2.2 सेकेंड दिए जिससे कि स्मूथली इफेक्ट शो करेगा। और फ्रेंड्स मैं पूरे को यहाँ पे दोबारा कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको एक इंडेंट दूंगा, और LI के अंदर होवर करेंगे उसके एंकर के अंदर जो क्लास होगी नेव टेक्स्ट, जिसके अंदर हमने नेविगेशन का टेक्स्ट रखा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर हो जाएगा जो कि हमने ऑरेंज कलर इसमें यूज़ करा हुआ है ट्यूटोरियल में। सेव करूँगा और पेज को रीलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स अभी देखिए जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो LI के अंदर जो हमने दिया हुआ है वो वाइट है, हम इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं, सेव करके रीलोड करेंगे। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ही ब्लैक कलर आ रहा है टेक्स्ट का, और होवर कर रहे हैं तो उसका कलर, तो जब होवर करते हैं तो उसका जो कलर होगा वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इस पूरे UL के पीछे एक बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर देंगे और इसको ब्लैक ही रहने देंगे, सॉरी इसको वाइट ही रहने देंगे। सेव करेंगे और मैं यहाँ पे देखिए पूरा नेविगेशन से लेकर नेव बार तक का जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको इंडेंट देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है जो डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा ऑरेंज कलर, इसका जो मार्जिन होगा वो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल होगा, लेफ्ट और राइट से 0 होगा, और इसकी जो डिस्प्ले होगी वो नन कर देंगे हम डिफ़ॉल्ट। तो नन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और मैं इसको नन कर दिया, मैंने सेव करा और रीलोड करा, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो नेविगेशन नज़र नहीं आ रही। और अब हम इस बटन पे वर्क कराएंगे कि कैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और नेविगेशन शो और हाइड होगी और ये आइकन भी चेंज होगा। तो अपने इंडेक्स पेज में आने के बाद जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट JQuery लिंक की थी, अब हम उसी के नीचे स्क्रिप्ट टैब को ओपन और क्लोज करेंगे और लिख देंगे कि जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर जब फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे होगा क्या। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोड को मैंने यहाँ लिख लिया है, अब मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि नेविगेशन हम स्मॉल स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे इसका जो कोड है वो वर्क नहीं करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर मैंने लिखा कि इफ़ विंडो की स्क्रीन की जो विड्थ है अगर 768 से कम यानी कि 767 तक अगर होती है तो लोगो कंटेनर के अंदर जो टॉगल्स नाम से एक क्लास है जिसके अंदर हमने ये वाला बटन रखा हुआ है उस पर अगर क्लिक होता है तो नेविगेशन नाम की जो क्लास है उसमें टॉगल क्लास होनी क्लास ऐड और रिमूव होगी उसकी क्लिक पे, उस क्लास का नाम होगा शो नेव, जैसे कि हमने आपको CSS में करके दिखाया था। साथ ही
इसी दौरान जब हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे तब नेविगेशन के अंदर जो हमारा नैव बार्स है जिसके अंदर हमने यूएल एलआई एंकर टैग वगैरह लिया हुआ है उसकी जो उसके अंदर भी स्लाइड टॉगल चलेगा स्लो। स्लाइड टॉगल से क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे तो वो नेविगेशन स्लो शो करेगी, दोबारा क्लिक करने पर नेविगेशन हाइड हो जाएगी। तो हम सेव करेंगे और पेज को करेंगे रीलोड और हम इस पर क्लिक करके चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स को सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी क्लास चेंज हो गई है और नेविगेशन शो हो गई है। और जब इस पर माउस होवर कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा एक्टिव बटन भी वर्क कर रहा है और दोबारा क्लिक करने पे नेविगेशन हाइड हो जाती है और आइकन भी चेंज होता है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।